नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारी केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 3 वैद्युत रसायन, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो पिछली क्लास थी उसमें क्या कर लिया था, जो सेकंड चैप्टर था विलयन वाला वो कंप्लीट कर लिया था। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे हम विद्युत रसायन को, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम विद्युत रसायन जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका मतलब क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसमें, इसमें क्या क्या देखेंगे हम। इसमें देखेंगे कि जो हमारे सेल होते हैं जैसे विद्युत रासायनिक सेल है, बेसिक क्या देखेंगे विद्युत रसायन में, इसमें देखेंगे कि जो हमारी विद्युत ऊर्जा है उसका रासायन, जो हमारी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण देखेंगे, ठीक है, उसी का अध्ययन करेंगे। उसके अंदर ही हम क्या देखेंगे विभिन्न प्रकार के सेल है, विद्युत रासायनिक सेल क्या होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहले देखें हम विद्युत रसायन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं कि जो हमारी रसायन विज्ञान है, क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं हम, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम विद्युत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। विद्युत रासायनिक परिवर्तनों का मतलब है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा विद्युत रसायन की हमारी, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्या हो जाएगी प्रिय विद्यार्थियों, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक परिवर्तनों का, विद्युत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है, कहलाती है। तो देखो प्रिय विद्यार्थियों किसका अध्ययन करेंगे इसमें हम, विद्युत रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विद्युत रासायनिक परिवर्तन का मतलब है ये परिवर्तन दो प्रकार के होंगे हमारे, कितने प्रकार के होंगे विद्युत रासायनिक परिवर्तन, दो प्रकार के होंगे, एक होगा हमारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण और दूसरा होगा हमारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। तो दो परिवर्तन होंगे, कितने परिवर्तन होंगे, जो हमारे विद्युत रासायनिक परिवर्तन है वो दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रिय विद्यार्थियों, दो प्रकार के होते हैं जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। कौन कौन से होते हैं, पहला आएगा हमारा विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण में परिवर्तन, और सेकंड आता है हमारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। देखो ये दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर करेंगे। कि अर्थात विद्युत रसायन किसे कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, हम कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक परिवर्तनों, अर्थात सेकंड परिभाषा बना सकते हैं इसी में हम, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है हमारी, विद्युत रसायन कहलाती है। तो विद्युत रसायन में हम कितने परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं हम विद्युत रासायनिक सेल, किसका, विद्युत रासायनिक सेल अर्थात रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर का, पहला टॉपिक है हमारा विद्युत रासायनिक सेल, कौन सा आता है, विद्युत रासायनिक सेल, रासायनिक सेल। अब देखो कैसा सेल है हमारा,
रासायनिक सेल है, रासायनिक सेल का मतलब हम रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अर्थात इस सेल में क्या होगा, हमारा रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होगा। जब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहते हैं, हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आ जाएगा इसका, हम जो हमको पढ़ना है वो आएगा डेनियल सेल, उसी के अन्य नाम हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। डेनियल सेल बोल सकते हैं, वोल्टी सेल बोल सकते हैं, हम गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीन नाम एक ही सेल के, हमारा डेनियल सेल, वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है। तो किसे कह रहे हैं हम विद्युत रासायनिक सेल, जब रासायनिक ऊर्जा का, समझना है आपको, जब कैसा सेल है रासायनिक, दूसरा पढ़ेंगे हम विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। ये कैसा है विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल का मतलब है जब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगी परिभाषा, जब रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, रासायनिक सेल कहलाता है। अब देखो इसमें भी एक बात आती है, हमने बोल दिया विद्युत रासायनिक सेल, लेकिन सेल कब बोलेंगे उसे, हम कब बोलेंगे, ये तो क्या है हमारा, इस प्रक्रिया है, अर्थात इस जो युक्ति है हमारी, एक तरह का सेल क्या है, देखो हमने सेल बोला है तो ये जब किसी पात्र में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना है सेल क्या है, एक तरह का हमारा एक युक्ति है, हमारी क्या है, युक्ति है। तो वह जिस पात्र में संपन्न हो रही है हमारी, वो पात्र क्या कहलाएगा, हमारा सेल कहलाएगा। जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, जब किसी पात्र में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। लेकिन डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं कि जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो ध्यान में रखना है, अगर पूछ लिया जाए आपको दोनों परिभाषा की, एक तरह का क्या है, पात्र है, जिस पात्र में संपन्न होती है वो पात्र क्या कहलाता है, हमारा सेल कहलाता है, वह युक्ति क्या कहलाती है, हमारी सेल कहलाती, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एक तरह से हम क्या कह रहे हैं, दो ऊर्जाएं हमारे पास में, एक है रासायनिक ऊर्जा, एक है हमारे पास में विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का मतलब है जो रसायनों द्वारा हमारा एक तरह का क्या तैयार किया जाता है, मिश्रण तैयार किया जाता है रसायनों का, और उस मिश्रण में क्या किया जाता है, दो धातु की छड़ लगा दी जाए तो उससे क्या होगा, हमारे रसायन आपस में और धातु की छड़ों में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होती है, हमारे जो हम इलेक्ट्रॉनों का जो आदान प्रदान है वो होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो हमारी इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं उसके विपरीत दिशा से क्या होगा, हमारा विद्युत ऊर्जा का प्रभाव होगा, अर्थात विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो रासायनिक ऊर्जा क्या है, रसायनों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा क्या है, जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, अर्थात आवेशों के कारण जो ऊर्जा होती है वो किसके क्या कहे, हमारी विद्युत ऊर्जा। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, डेनियल सेल, क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, डेनियल सेल, इसी के अन्य नाम पढ़ेंगे आप कौन से, गैल्वेनी सेल, ठीक है, कौन सा नाम आएगा, गैल्वेनी सेल। तो डेनियल सेल बोल सकते हैं, गैल्वेनी सेल बोल सकते हैं, या एक नाम हो रहा था इसका वोल्टे सेल, ठीक है, कोई सा भी नाम आपको दे सकता है। इसके अंदर पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल के अंतर, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम जो हमारा डेनियल सेल होता है इसकी कैसी बनावट होती है, कैसा डायग्राम होता है, क्या क्या होता है। देखो समझना है हमको, क्या है, डेनियल सेल है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगी। सबसे पहले क्या लेते हैं, पात्र लेते हैं, हमने कहा है विद्युत रासायनिक सेल क्या है, युक्ति है, क्या है, पात्र है। सबसे पहले एक पात्र लेंगे, उस पात्र में जो पात्र है, हम दो पात्र लेते हैं, दो पात्रों में क्यों ले रहे हैं दो पात्र, क्योंकि हमें क्या करना है, दो छड़ लगानी है, दो अलग अलग क्या लेने, रसायनों के विलयन लेने हैं।
तो जो हम क्या लेते हैं, दो पात्र लेते हैं। अब दो पात्र लिए, बताओ किससे जुड़ेंगे। यहाँ से हटा दें इसको, तो हम देखते हैं इसमें क्या लेते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट देखते हैं, कौन सा सेल है हमारे पास में, डेनियल सेल। डेनियल सेल की बनावट देखे, हम बनावट देखेंगे उसके पश्चात देखेंगे कैसे कैसे इसमें सेल अभिक्रिया होती है। इसकी क्या पढ़ रहे हैं, डेनियल सेल, डेनियल सेल। तो देखो डेनियल सेल में हम कह रहे हैं आपसे क्या लेते हैं, दो पात्र लेते हैं। ये ले लिए, मान लेते हैं ये दो पात्र ले लिए हमने, ये क्या ले लिए, दो पात्र। अब इनमें अलग अलग क्या भरते हैं हम, सॉल्यूशन भरते हैं। एक में भर लेते हैं CuSO4 का विलयन, एक में भरते हैं हम ZnSO4 का विलयन। क्या भर लिया हमने, विलयन भर लिया इनमें। एक में ले लिया मान लो ZnSO4 का विलयन, किसका, जिंक सल्फेट का विलयन। इसमें ले लिया हमने CuSO4 का विलयन, किसका, CuSO4 का। और इसमें समान धातु की क्या लगा देते हैं, छड़ लगा देते हैं। कैसा है, ZN धातु है, जिंक सल्फेट का क्या है, विलयन है। जिंक धातु की एक क्या लगा दी यहाँ पर, छड़ लगा दी, किसकी, ZN धातु, किसकी लगा दी, ZN धातु। यहाँ पर लगा दी हमने Cu धातु की एक छड़, कॉपर धातु की, कॉपर धातु की छड़। ठीक है, अब देखो इतनी बात आ रही, इसकी बनावट देख रहे हैं। एक पात्र होता है, क्या होता है, सील पैक, ऊपर से क्या कर देंगे इसको, पैक कर देते थे, क्या बन जाता है हमारा, एक सेल बन जाता है। ठीक है, दो हमने पात्र लिए, एक में ZnSO4 का विलयन जिसमें ZN की छड़ डूबी हुई है, तथा दूसरा CuSO4 का विलयन जिसमें Cu की छड़ डूबी हुई है। इनको किससे, एक तरह से इनमें क्या कर दिया, यहाँ से इन दोनों जो छड़ है इनको जोड़ दिया हमने, क्या कर दिया, जोड़ दिया। और यहाँ पर क्या लगा दिया, एक तरह से क्या कर दिया, इनको जोड़ दिया। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, इनको जोड़। अब देखो कुछ होगा, होगा कुछ तो, लेकिन क्या होगा, हमारा आदान प्रदान सही से नहीं होगा। ये जो दो विलयन है ये संतुल्य हमारे साम्य अवस्था में नहीं रहेंगे। इसलिए एक युक्ति लगाते हैं यहाँ पर, एक क्या लगा देते हैं, इन दोनों जो हमारे विलयन है इनको लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब ये बोलेंगे सर जी लवण सेतु क्या है, तो बताते हैं अभी लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु क्या है, एक तरह का एक नलिका नुमा संरचना होती है जिसमें क्या भरा होता है हमारा, के जो हमारा KCl है, किसका पेस्ट भरा होता है, KCl, पोटेशियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम नाइट्रेट आदि का क्या भरा होता है, पेस्ट भरा होता है। अब इसका काम क्या है, इसमें जो आयन होते हैं उनका क्या करना, अर्थात लवण सेतु का कार्य होता है हमारे जो इनका गमन है उसको प्रदर्शित करना। एक तरह से इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा, हमारे आयनों का गमन होगा, यहाँ से Zn+ बनेगा, Zn+2 से SO4-2, Cu+2 SO4-2 के जो आयन बनेंगे उनके गमन को प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, लवण सेतु का कार्य क्या है, ये जो दोनों विलयन है उनमें उदासीनता बनाए रखने का काम होता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा क्या लगा दिया, लवण सेतु लगा दिया, जो जिसमें क्या भरा होता है, KCl, KNO3 और NaNO3 का गीला पेस्ट भरा होता। ठीक है, क्या है ये, लवण सेतु, लवण सेतु, लवण सेतु नाम से आ रहा है। लवणों का जो भी हमारे आयन होते हैं उनका क्या कर देता है, गमन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उदासीनता बनाए रखता है, उनके गमन को प्रदर्शित करता है। अब देखो क्या होगा, जैसे हमने इनको जोड़ा, ऊपर से जोड़ा, तो हमारा क्या होगा, एक किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह कार्य करेगा, एक किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। और ध्यान रखना है हम कौन सा सेल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे हैं, क्या सा पढ़ रहे हैं, विद्युत रासायनिक सेल। और जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें हमारा जो एनोड होती है वो नेगेटिव होती है, कैथोड क्या होती है, पॉजिटिव छड़ होती है, अर्थात पॉजिटिव की तरह कार्य करती है। ये क्या है हमारी, एक तरह से देखें कैथोड किसकी तरह, पॉजिटिव की तरह, और ये हमारी नेगेटिव एनोड किसकी तरह कार्य करती है, हमारी नेगेटिव की तरह। अब देखो एनोड और कैथोड का कैसे पता लगाते हैं, कि जो हमारी एनोड होती है उस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। हमको क्या देखना है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, इस छड़ पर ऑक्सीकरण होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अब देखो, और जो कैथोड होती है उस पर क्या होता है, अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता। तो देखो
क्या होगा, यहाँ से जो जेड एन प्लस टू बना, यहाँ से एसओ फोर माइनस टू बना, वहां से सी यू प्लस टू बना, एसओ फोर माइनस टू बना, आयन क्या करेंगे एक दूसरे में गमन करेंगे, इनकी क्या बन जाएगी, उदासीनता बन जाएगी। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, देखो एनोड पर क्या होगा, फर्स्ट नंबर देखिए हम एनोड, एनोड पर क्या होता है हमारा ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण देखें किसका होगा, किसकी छड़ हमारी जेड एन धातु की छड़ आयन बनाएगी, जेड एन इजिकल टू क्या बनेगा, जेड एन प्लस टू इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, क्या होगा इस पर ऑक्सीकरण होगा। अब जो दो इलेक्ट्रॉन है इस छड़ के द्वारा, यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, गमन करेंगे, इस प्रकार से दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पर क्या बना हुआ है, सी यू प्लस टू एसओ फोर माइनस टू बना हुआ है, क्या बना हुआ है, सी यू प्लस टू एसओ फोर माइनस टू। देखो यहाँ क्या बन गया, जेड एन प्लस टू बन गया, एसओ फोर माइनस टू बन गया, यहाँ पर सी यू प्लस टू बन गया, एसओ फोर माइनस टू बन गए। तो जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमारे, तो बताओ इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो गई हमारी, फर्स्ट पॉइंट देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर हो गई हमारी, दिशा किस प्लेट से, एनोड से कैथोड की ओर हो गई, किससे हो गई, एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर होगी, कैथोड की ओर, ठीक है। अर्थात हम कहें किससे, जेड एन से सी यू की ओर, सी यू की। अब देखो दूसरी बात, दूसरी छड़ किसकी हमारी, दूसरी है कैथोड, क्या है कैथोड, कैथोड पर क्या होता है हमारा अपचयन होता है, अपचयन होता है, तो अपचयन होगा तो क्या होगा, सी यू प्लस टू हमारा बना हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या बना लेगा, सी यू बना लेगा, क्या बना लेगा, कॉपर बना लेगा, सी यू बना लेगा। तो क्या हुआ, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आए हमारे, ग्रहण किया, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गमन करेंगे, कैथोड की ओर जाएंगे। तो बताओ हमने देखा है कि जो हमारी विद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है, क्या होती है, विपरीत होती है। तो बताओ क्या धारा की दिशा किधर होगी हमारी, विद्युत धारा की दिशा देखें, विद्युत धारा की दिशा किधर हो जाएगी हमारी, कैथोड से एनोड की ओर, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहती है हमारी विद्युत धारा, और इलेक्ट्रॉन की दिशा कहाँ से होती है, ऋणावेश प्लेट से धनावेश प्लेट की ओर होती है। तो धारा की दिशा कैसे हो जाएगी हमारी, कैथोड से एनोड, कैथोड से एनोड की ओर हो जाएगी, एनोड की ओर हो जाएगी, अर्थात कहें हम तो सी यू से जेड एन की ओर, जेड एन की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है, आइए समझ। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, अगर आपसे पूछता है यहाँ पर धनावेश प्लेट कौन सी हमारी, तो धनावेश छड़ कौन सी है बताओ, धनावेश छड़ हमारी कौन सी हो जाएगी, कैथोड वाली हो जाएगी, अर्थात सी यू वाली छड़ कौन सी हमारी, धनावेश छड़ हो जाएगी। इसके बाद पूछे आपसे ऋणावेश प्लेट कौन सी हमारी, कौन सी हो जाएगी, जेड एन वाली कौन सी हो जाएगी, ऋणावेश प्लेट हो जाएगी। तो ये दोनों जो एनोड और कैथोड होता है ये कैसी होती है हमारी, अर्धशैल अभिक्रिया होती है, कैसी होती है, अर्धशैल अभिक्रिया होती है, दोनों को अर्धशैल और अर्धशैल अभिक्रिया को मिलाकर के पूर्ण शैल अभिक्रिया बनाई जाती है। तो बोलो पूर्ण शैल अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, पूर्ण शैल अभिक्रिया, इसमें उदासीनता बन जाएगी, तो पूर्ण शैल अभिक्रिया हो जाएगी। यहाँ से क्या है, जेड एन प्लस सी यू प्लस टू इजिकल टू क्या बनाए हमारा, जेड एन प्लस टू प्लस सी यू, तो ये क्या है हमारी, पूर्ण शैल अभिक्रिया। आगे पढ़ेंगे इनको, प्रदर्शित करेंगे, इलेक्ट्रॉन विभव निकालेंगे, माना इलेक्ट्रॉन विभव निकालेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का विभव ज्ञात करना हो तो ये क्या है हमारा, डेनियल सेल की बनावट है। इस पर क्या होता है, कहीं पर ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, तो ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाने के लिए हमने क्या देखा है, विद्युत रासायनिक सेल। और ध्यान में रखना है विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में मेन अंतर क्या है हमारा बनावट में, इसमें क्या होगा, एनोड नेगेटिव होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा, अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, हम देखें एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जो एनोड होगी वो ऋणावेशित प्लेट होगी और कैथोड होगी वो कैसी होगी, धनावेशित प्लेट होती है। तो बनावट में यदि आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, बनावट में लिखेंगे, देख लो चित्र हमारा क्या लिखेंगे, दो भिन्न भिन्न पात्रों में क्या लेते हैं, दो भिन्न भिन्न पात्रों में जेड एन एसओ फोर व सी यू एसओ फोर का विलयन लेते हैं, ठीक है, भरा जाता है, विलयन भरा जाता है, दो पात्रों में, दो भिन्न भिन्न पात्रों में जेड एन एसओ फोर व सी यू एसओ फोर का विलयन भरा जाता है। उसके बाद लिखेंगे जेड एन एसओ फोर के विलयन में जेड एन की छड़ तथा सी यू एसओ फोर के विलयन में सी यू की छड़ डूबी होती है,
उन दोनों विलयनों को लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तथा दोनों विलयनों के मध्य जो लवण सेतु है वो कार्य क्या करता है, उन दोनों विलयनों में उदासीनता बनाए रखता है तथा जो हमारे आयन हैं उनके गमन को प्रदर्शित करता है, ये आयन किधर गमन कर रहे, ठीक है। आ रहा इतना समझ में? तो ये क्या हो गई हमारी एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, अर्थात अर्धसेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, Zn=Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी, और कैथोड पर अपचयन होता है तो Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन Cu हो जाएगी। पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें तो Zn+Cu+2=Zn+2+2 सी, ठीक है। तो ये होती है हमारी पूर्ण सेल अभिक्रिया। अब आपसे कुछ भी पूछ ले यहाँ पर कि हमारी इलेक्ट्रॉन की दिशा किधर है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाएगी हमारी कहाँ से, एनोड से कैथोड की ओर, अर्थात Zn धातु से Cu की ओर, Zn प्लेट से Cu प्लेट की ओर। धारा की दिशा देखिए उल्टी होगी, कैथोड से एनोड की ओर अर्थात Cu से Zn की ओर। धनावेश प्लेट पूछे Cu, ऋणावेश प्लेट पूछे Zn। देखेंगे अभी हम देखेंगे इसमें एग्जाम्पल हमारा, ठीक है। तो देखते हैं आप, बनावट में लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, दो भिन्न भिन्न पात्रों में ZnSO4 व CuSO4 का विलयन भरा जाता है, जिनमें ZnSO4 के विलयन में Zn की छड़ तथा CuSO4 विलयन में Cu की छड़ डूबी होती है, उन दोनों को किससे जोड़ दिया जाता है, लवण सेतु से जोड़ दिया जाता है। और ये हमने क्या देखी थी, इसकी क्रिया विधि। उसके पश्चात देखिए हमने एक शब्द बोला लवण सेतु, तो देखो लवण सेतु का कार्य देखिए एक तरह से, लवण सेतु क्या करता है कि जो हमारा सेल है सेल की उदासीनता बनाए रखता है, यह है सेल की उदासीनता बनाए रखता है, उदासीनता बनाए रखता है तथा आयनों के गमन को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है जिसमें क्या भरा होता है KCl KNO3 तथा NaNO3 का विलयन भरा होता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, बताना, जैसे ले लिया हमने Cu+2Ag+ इज इक्वल टू बना हमारा Cu+2+2 Ag। अब इसमें क्या बताना है हमको, धारा की दिशा फर्स्ट है, और सेकंड बताना है हमको धनावेशित प्लेट। बताओ कैसे बताएंगे, अभी देखा है हमने जो हमारी क्रियाविधि देखी थी सेल की, वो सेल की क्रियाविधि देखी हमने, उसी के आधार पर हमको क्या बताना है, धारा की दिशा और धनावेशित प्लेट। देखो दोबारा बताते हैं, क्या आई थी हमारी पूर्ण सेल अभिक्रिया, आई थी Zn+Cu+2=Zn+2+Cu आई थी, याद है इतनी। देखो क्या हो रहा है, Zn से Zn+2 Cu+2 से Cu, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीकरण जीरो, जीरो से कितना हो रहा है +2, यहाँ पर +2 से कितना हो रहा है जीरो, अर्थात हम क्या कह रहे हैं Zn प्लेट है वो क्या है हमारी एनोड, कैसी है एनोड, एनोड क्या होती है नेगेटिव, क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये कैसी प्लेट है हमारी ऋणावेशी, यहाँ पर क्या हो रहा है अपचेन, अपचेन हो रहा है तो ये कैसी है हमारी पॉजिटिव, अर्थात धनावेशित Cu प्लेट। अब इसमें देखें, इसी के आधार पर देखो क्या दे रखा है हमको, Cu+2Ag+ = Cu+2+2Ag, बोलो Cu से क्या बना, Cu+2 जीरो थी, जीरो से क्या हो गई +2 हो गई, क्या हो रहा है एनोड प्लेट है, कैसी होगी नेगेटिव होगी, ऑक्सीकरण हो रहा है हमारा, ठीक है। Ag+ से क्या हो रहा है, Ag बन रहा है, यहाँ पर कितना था एक प्लस एक था, यहाँ पर कितना हो गया जीरो, अर्थात दो है तो दो आयन का +2 हो जाएगा, +2 से क्या हो रहा है जीरो, अर्थात ये कैसी हमारी कैथोड है, कैसी है कैथोड है पॉजिटिव। अब कुछ भी बता सकते हैं, बताओ इसमें क्या था हमारा, ऑक्सीकरण हो रहा था, Zn से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कहां पर Cu की ओर, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा कहां है Zn से Cu, और धारा की दिशा कहां पर थी Cu से Zn। तो बताओ
क्या हो रहा है हमारा यहाँ पर, क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड। धारा की दिशा कैसी होती है, हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होती है। तो कैथोड प्लेट कौन सी है, यहाँ पर धारा की दिशा क्या हो जाएगी हमारी, एजी से सीयू की ओर, कैथोड से एनोड। तो धारा की दिशा देखें तो क्या हो जाएगी, एजी से सीयू की ओर, सीयू की ओर। आ रहा है समझ में, क्यों, क्योंकि कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड प्लेट कौन सी है, एजी वाली, एनोड कौन सा है हमारा, सी। ठीक है, अब देखिए धनावेशित प्लेट देखें तो कैथोड वाली कौन सी हो जाएगी, धनावेशित प्लेट अर्थात एजी वाली कौन सी हो जाएगी हमारी, धनावेशित प्लेट। ऋणावेशित प्लेट पूछे तो कौन सी हो जाएगी हमारी, जो कौन सी है, सीयू वाली कौन सी हो जाएगी हमारी, ऋणावेशित प्लेट हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्व करना है हमको, क्या बताना है, धारा की दिशा पूछे, इलेक्ट्रॉन की दिशा पूछे, धनावेशित प्लेट पूछे, चाहे ऋणावेशित प्लेट पूछे। अब देखो आगे, जैसे आगे दे दिया हमको, इसी में देखेंगे हम और एग्जांपल देखें, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें दे रखा है यहां से Sn प्लस फोर, एग्जांपल है एक Sn प्लस फोर प्लस 2i माइनस, 2i माइनस इज इक्वल टू Sn प्लस 2 प्लस i2। क्या बताना है, एनोड व कैथोड अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखनी है, क्या लिखनी है, एनोड व कैथोड अभिक्रिया की, एनोड व कैथोड अभिक्रिया की समीकरण। देखो कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले यहां पर देखें Sn प्लस 4 से क्या हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, प्लस 4 से क्या हो रहा है, प्लस 4 से प्लस 2 हो रहा है। यहां पर देखें क्या हो रहा है, माइनस टू से जीरो हो रहा है, कितना हो रहा है, माइनस टू से जीरो हो रहा है, अर्थात हम देखें क्या हो रहा है, यहां से Sn प्लस फोर था, ये इसने क्या कर दिया, दो इलेक्ट्रॉन यहां से त्याग दिए, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन सी प्लेट होगी, ऑक्सीकरण कौन सी पे होता है हमारा, एनोड पर होता है, तो ये कौन सी, एक तरह से देखें क्या हो रहा है यहाँ पर Sn प्लस फोर से क्या हो रहा है, अगर ये हमारी क्या कर ले, सॉरी यहाँ पर कितना है, प्लस फोर से कितना हो रहा है, प्लस टू हो रहा है, अर्थात यहाँ पर प्लस फोर था, चार इलेक्ट्रॉन पहले से इसने दान किए हुए थे, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए, ग्रहण करें